वेलकम बैक इंस्टाग्राम चैनल गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया हो? ठीक ठाक हो? मैं आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है गाइस, मैं आपको बताऊंगा टीआरसी का प्रोसेस जो है पोर्चुगल में वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, एंड सेफ जो है आजकल कैसे वर्क कर रही है, वो बैड वर्क कर रही है या गुड वर्क कर रही है, और टीआरसी लोगों की कितना टाइम लगा रही है आने में, जिन्होंने इसमें इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन्होंने 30 मार्च 2023 से पहले पेपर लॉक किए हैं उनकी रेजिडेंसी आएगी 31 मार्च से पहले पहले या नहीं आएगी, और कितने लोगों की वो रेजिडेंसी जो है वो इशू करेंगे, सब कुछ आपको, सब जो मसाला इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, इससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेंगी। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इन्फॉर्मेशन कई बार मैंने बीच में या लास्ट में बताई होती तो वो आप इन्फॉर्मेशन से अलग रह जाते हो, तो वीडियो आपका देखने का कोई फायदा नहीं होता। वीडियो लास्ट तक देखें तब आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह है कि गाइस जो सेफ है इन दिनों में काम जो है वो बहुत फास्ट कर रही है, ईमेल भी लोगों की बहुत फास्ट आ रही है, क्योंकि वहां पर बहुत इमिग्रेंट्स आ गया है, बहुत इमिग्रेंट्स चाहता है डॉक्यूमेंट्स, और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है एक्चुअली सेफ के ऊपर, तो वो जो है ये प्रेशर को एकदम से साफ करना चाहते हैं, एकदम से जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को वो फिनिश करना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कमेंट्स में अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि भाई साहब हमने अप्रैल में 2022 में पेपर जमा करवा दिए, अप्लाई कर दिए, लॉक कर दिए जिसको पुर्तगाल में बोलते हैं, उनका क्या प्रोसेस है? तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है, जिन्होंने अप्रैल 2022 में जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स लॉक करवाए हैं उनकी भी ईमेल आ रही है, इस मंथ भी बहुत लोगों की ईमेल्स आई हैं। ठीक है, अप्रैल 2022 अभी तो एक साल भी नहीं हुआ, देखो इतना फास्ट जो है वो सेफ काम कर रही है, विच इज वेरी गुड फॉर इमिग्रेंट्स। ठीक है, मैं मानता हूं कि लोगों को बहुत दिक्कत हुई है पुर्तगाल की टीआरसी लेने में कुछ इयर्स बैक, क्योंकि जो पहले लोग अप्लाई करते थे, बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था कि लोगों को दो दो साल, ढाई ढाई साल तक भी रेजिडेंसी नहीं मिली। एक मेरा फ्रेंड है वहां पुर्तगाल में रहता है, उसको 1.5 साल हो गया, उसको अभी तक रेजिडेंसी नहीं मिली। इट्स डिपेंड ऑन पीपल लक ऑल्सो, यू नो। तो अब जो है गाइस वो सेफ फास्ट काम कर रही है, तो अब जो है आपको रेजिडेंसी मिलने के बहुत चांसेस हैं। हम कहते हैं कि इमिग्रेशन काम क्यों नहीं करती, ऐसी क्यों नहीं करती, गाइस उनके पास बहुत लोड होता है। ठीक है, अब उनके ऊपर से प्रेशर आ रहे हैं कि आपके पास इतना काम है, आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे, आप जल्दी जल्दी इसको क्लियर करो। तो इसीलिए सेफ जो है वो भाग दौड़ में अब लगी हुई है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बहुत चांसेस हैं। तो प्लीज आप हौसला रखिए, जो आपने फ्यूचर में सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा पुर्तगाल से, बस हौसला रखिए, आपको डॉक्यूमेंट्स जरूर मिलेंगे। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पेंडेमिक से बाद फाइल लॉक की है उनकी भी ईमेल्स आ रही हैं। सेफ ने बोला है कि ईमेल्स जो है सब क्लियर कर देंगे, सब उनकी रेजिडेंसी भी आएगी। एक और जो है बहुत गुड न्यूज आई है, अगर मैं आपको तादाद बताऊं सेफ जो है क्या बोल रही है, 31 मार्च से पहले पहले जिन्होंने डॉक्यूमेंट अप्लाई किए हैं कितने लोगों को दी जाएगी, ये उन्होंने एक सिनेरियो निकाला है गाइस। 31 मार्च 2023 से पहले पहले हम आपको 2 लाख से ज्यादा रेजिडेंसीज देंगे। अब आप सोच लो पुर्तगाल में कितने लोगों ने जमा करवाया होगा ये डॉक्यूमेंट, 2 लाख से ज्यादा लोगों को, 3 लाख भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं, वो आपको रेजिडेंसी देंगे। तो प्लीज आप हौसला रखें, दिल से मत काम लें, दिमाग से काम लें। दूसरी बात यह है कि ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि 31 मार्च 2023 के बाद क्या होगा, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई साहब ये बताइए कि 31 मार्च 2023 के बाद क्या होगा, क्या वो काम करना स्लो कर देंगे, क्या वो भाग जाएंगे, रेजिडेंसी बंद कर देंगे, रूल खत्म हो जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, 31 मार्च से पहले पहले वो क्लियर कर देंगे, बहुत जनता को वो क्लियर करेंगे। ठीक है, 3-4 लाख मैक्सिमम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उनका काम लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, तो उनका जो फिर काम है गाइस वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि जीएनआर में, पीएसपी में, पीजी में,
आपको भी अच्छा लगेगा, आपके बढ़िया टाइम में रेजिडेंसी बन जाया करेगी और उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो थी आज की गाइस, जो मैं आपको बताना चाहता था कि TRC का प्रोसेस जो है वो कहाँ पोर्टुगल में स्टैंड कर रहा है और सेफ कैसे वर्क कर रही है और कितने टाइम तक आपकी रेजिडेंसी आने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब किए बगैर चैनल को प्लीज़ मत जाया करिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, जो आपके भाई बहन बंधु जो भी रहते हैं उनको शेयर कीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है नीचे दिया गया है। तो और भी वीडियोस जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में डालूंगा, जो मैंने पहले बनाई है पोलैंड के ऊपर, पोर्चुगाल के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, सब वीडियोस जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब किए बगैर चैनल को मत बंद करें। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको पोर्चुगाल के रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। बहुत टॉपिक्स पड़े हैं मेरे पास, बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है। ओके, ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए टॉप योर। जय हिंद।